पिताजी की मेहर की वजह से मैं वर्ल्ड में जो है पूरी तरह से छाया गया हूँ। मेरे 100 से अधिक जो है इंटरनेशनल के मेडल हो चुके हैं। मैराथन मेरी स्पेशल आइटम है वर्ल्ड में, जो कोई भी मुझे नहीं मेरा मुकाबला कर रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इदमचंद इंसा है। मैं जन्मस्थली मेरी बलनाई के पास है, 3 किलोमीटर पर अंछाड़ गांव में, बागपत जिले में, यूपी में। जी, क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन भाई 5 सब्जेक्ट में एमए हूँ मैं, इंग्लिश में, संस्कृत में, फिलोसफी में, ड्राइंग में, और अब DNYS का डिप्लोमा लिया है, और इस तरह से मैं 5 सब्जेक्ट में हूँ। कितने साल हो चुके हैं आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए? हाँ, डेरा सच्चा सौदा से जुड़े मुझे 1975 में परम पिताजी जब पहली बार यूपी में गए थे तभी दर्शन हो गए थे। मेरे कॉलेज में भी पिताजी का सत्संग हुआ था और मेरे गांव में भी सत्संग हुआ था। मेरे घर पे पिताजी का चरण धूनि मुझे प्राप्त हो गई थी, तब से जुड़े आ गया। 75 से आप जुड़े हुए हो, पूरी आपकी कह सकते हैं काफ़ी ज़िंदगी का हिस्सा डेरा सच्चा सौदा में गुजरा है। हाँ, तो अब जो गुरु जी के केसेस चल रहे हैं उनमें आप क्या सच्चाई मानते हो? मैं जो है रजनीश जी का पूरा फॉलोवर रहा हूँ, और मैं पूरे जितने भी संत महात्मा पीर पैगंबर हुए हैं संस्कृत से एमए होने की वजह से उनकी सबकी स्टडी की है, अध्ययन किया है, और उनमें सब कुछ में बहुत ही ज़्यादा जो था लगन लगी हुई थी मुझे भगवान को प्राप्त करने की। सभी जगह में, अयोध्या में भी और पुष्कर में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, पूरा 2-3 महीने बिताए, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मुझे शांति आकर के परम पिताजी से जीव नाम दिया, और उस प्रैक्टिकल ये नाम लेने से मुझे ध्यान करने की जो विधि बताई, उसके बाद में मैं ये बीमार था बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत रामचंद्र सिंह जी ने मुझे जब योगा के वचन किए तो तब से फिर मैं कमाल ही हो रहा है। योगा की वजह से नहीं, पिताजी की मेहर की वजह से मैं वर्ल्ड में जो है पूरी तरह से छाया गया हूँ। मेरे 100 से अधिक जो है इंटरनेशनल के मेडल हो चुके हैं। मैराथन मेरी स्पेशल आइटम है वर्ल्ड में, जो कोई भी मुझे नहीं मेरा मुकाबला कर रहा है। तो ये जो है इस तरह से जुड़ करके मैं बताना चाहता हूँ, तमाम दुनिया को बताना चाहता हूँ, अगर दुनिया से दुख, रंज, गम और आपस में झगड़े, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये जितने भी बलात्कार, जितनी भी बुराइयाँ हैं, अगर दूर कराना चाहते हैं मेरे पिताजी को आकर के देखे, शरण में ले, नाम ले और जप करके देखे सब कोई। हम 1 लाख के करीब जो है वेलफेयर फोर्स के वो सदस्य हैं जो पूरी तरह से जीवन दान ही नहीं, परिवार के साथ में लिखित में दिया हुआ है कि हम परोपकार के लिए हमारा जीवन है। हमने अपना जीवन सफल बना लिया, अब दूसरों का जीवन हम पिताजी की मेहर से सफल बनाना चाहते। जैसे अभी गुरु जी को केसेस हैं जो, वो अभी हाई कोर्ट में चले गए हैं, तो न्यायपालिका से क्या उम्मीद रखते हैं आप? मैं तो न्यायपालिका से वही उम्मीद रखता हूँ जो ईसा मसीह जी के टाइम में रखी थी। न्यायपालिका ने ईसा मसीह जी को ये क्रूस पर लटकाने के वो दी थी, तो प्रशासन ने अपना मजे मार करके उनको क्रूस पर लटकाया था। ऐसे इस तरह से सोक्रेटिस को जहर का प्याला, और इस तरह से गुरु गोविंद जी और हमारे जितने भी हैं ये संत महात्मा जितने परोपकार करना चाहते हैं भगवान को, साक्षात यू जो है उनको भगवान तो निराकार है, निराकार नहीं साकार भी है, साकार है पहले, साकार दिखाई देगा तब निराकार है, निराकार के बाद में। तो ये जो है हमें ये इन्हें पता नहीं है कि योगा क्या है, भगवान क्या है, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है और आगे कहाँ जाना है, हमारे ऊपर भी कोई जज है, इन्हें नहीं पता है कि हमारे ऊपर भी कोई जज है। तो इसलिए ये कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, कैसे कर लो, जैसे करते हुए आए हैं, इनको भुगतना पड़ेगा और आखिर में संतों की। पर गुरु जी है जो वो न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं। हाँ, गुरु जी भी न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, हम भी रखते हैं। न्यायपालिका हो तभी तो, अगर उसमें जज है न्याय नहीं है तो वो पालिका भी नहीं है, वो पालिका भी करने वाला नहीं है। पालक वो है न्याय का, जो न्याय का पालक करता हो वो न्यायपालिका है। तो हमारी न्यायपालिका जो है देश की वास्तव में संस्कृति जो है हमारे देश की, और हमारे देश का सारा विधान, सारी जो कार्यक्रम है वो तमाम दुनिया में सबसे अद्भुत तरीके के हैं, जिन्हें वो दुनिया तो पकड़ भी तो क्या ले, वो कल्पना तक भी नहीं कर पा रहे वहाँ तक हमारा देश ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का, साधु संतों का, पीर पैगंबरों का, अवतारों का शुरू से चलता हुआ आ रहा है। रामायण महाभारत इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, वही तो है चीज़ ये।